नमस्कार एजुकेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और इस बड़ी अपडेट के अनुसार आपको बता दे 9 जुलाई से फिर होने जा रहा है लॉकडाउन सख्त। कहां होगा, कैसे होगा, कौन सी शर्तें लागू होगी, ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। साथ ही हम जानेंगे देश के ताजा हाल को भी। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए या फिर ढील ढाल देनी चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसी न्यूज के बारे में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इस महामारी के ताजा आंकड़ों की। तो अब तक देश में 742,417 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेज की बात करें तो अब तक 264,944 से और रिकवर अब तक 456,830 लोग हो चुके हैं। वहीं अब तक डेथ्स की बात करें तो 20,642 लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिले। महाराष्ट्र में आंकड़ा 210,000 से भी अधिक जा चुका है। आइए अब बात करते हैं इस लॉकडाउन को लेकर आ रही बड़ी खबर के बारे में। तो आपको बता दें महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि 9 जुलाई को शाम 5 बजे से पश्चिम बंगाल के कंटेनमेंट जोन और पफर जोन में सख्त लॉकडाउन जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें पश्चिम बंगाल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये व्यापक कंटेनमेंट जोन सख्त लॉकडाउन का दिन होंगे और सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेगी। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब तक बंद रहेगी, अगले आदेश आने तक बंद रहेगी। फिलहाल तो यही बात कही गई है, बात कही गई है कि 9 जून यानी कि बृहस्पतिवार रात से लॉकडाउन सख्त कर दिया जाएगा। अगर एग्जैक्ट समय की बात करें तो शाम 5 बजे से लॉकडाउन को सख्त कर दिया जाएगा। सभी ऑफिसेज, सभी दुकानें, मार्केट, मंडियां, परिवहन, समारोह आदि सब कुछ पर पाबंदी लगाई जा रही है और यह फैसला लिया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वह पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से जारी किया गया है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं जो जो चीजें यहाँ पर बंद की गई है वो सारी लिखी गई है, जैसे ऑल ऑफिसेस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ऑल नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, ऑल ट्रांसपोर्टेशन, ऑल मार्केटिंग इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें बंद रहने वाली है। सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूरी करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।